में अप्रासंगिक बन चुका है। विपक्ष को बिहार पर गौरवान्वित होने का कहीं से कोई मौका नहीं है। बजट प्रावधानों से ही खुद झलकता है, बिहार के लोगों पर जन्म लेते ही कर्ज चढ़ जाता है। यह अपने आप एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बनता बिहार है, असल बात जंगल राज की आदत लगी हुई है, तो दिक्कत राजनीतिक रतौंधी हो जाए उसका कोई इलाज नहीं। चिंता पूर्वक सब बात झूठे ढंग से रख देते हैं। झूठ बोलने की एक सीमा होती है ना। एनडीए वाले और बीजेपी वाले सिर्फ झूठ की ही तो राजनीति करते हैं। जो दो तीन महत्वपूर्ण सवाल है राज्य की जनता जानना चाहती है। देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू है, दूसरी तरफ जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि इसी क्रम में बिहार विधान परिषद के कार्रवाई के दौरान जो है काफ़ी तुतुमेमे देखा गया, वहीं कांग्रेस और बीजेपी जो है अब आमने सामने जो है आ गई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है कांग्रेस की ओर से संजय महुका, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उनकी बातों को सुनो। साथ ही साथ आप प्रेमचंद मिश्रा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने किस प्रकार से जो है बीजेपी को जवाब दिया है, छोड़े जाते हैं उन तमाम बयानों के साथ। वहीं ज़्यादा जो है कर्ज है बिहार पे। देखिए, माननीय सुनील सिंह जी को केवल विरोध करना है तो वो विरोध करने के लिए विरोध करते हैं कि प्रासंगिक बने रहें, क्योंकि विपक्ष बिहार में अप्रासंगिक बन चुका है। विपक्ष को बिहार पर गौरवान्वित होने का कहीं से कोई मौका नहीं है। लेकिन बिहार का आम आवाम आज माननीय नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के साथ खड़ा है। भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अभी तो माननीय महेश्वर सिंह जी ने बताया कि देख लीजिए ना बिहार को, ये अपना बिहार है, ये गौरवशाली बिहार है और ये बढ़ता बिहार है, ये बनता बिहार है। असल बात जंगल राज की आदत लगी हुई है, तो दिक्कत राजनीतिक रतौंधी हो जाए उसका कोई इलाज नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से रतौंधी होता है उसका तो इलाज है, लेकिन जिसको राजनीतिक रतौंधी हो वो ना इलाज है। एक कहा गया है ना, संगत से गुण होत है संगत से गुण जात। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के समय तो जंगल राज चलता था, तो भाई अब भी लगता है उनको, तो उनको तो हम नहीं कह सकते, वो अभिभावक हैं, लेकिन उनको कम से कम बिहार को देखना चाहिए कि बिहार सुशासन के राज में चल रहा है। इसलिए शुभकामना देनी चाहिए इस सरकार को, जिस सरकार के अंतर्गत अपराधों में कमी आई है। सारा डाटा विधान परिषद के सभागार में कई माननीय सदस्यों ने बता दिया है, इसलिए चिंता मत करिए, बिहार सुशासन के साथ विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग कर रही है राबड़ी देवी। भाई, जब काम होगा तो लोग इस्तीफा मांगेंगे, लेकिन यहाँ बढ़ता बिहार है। जब सदन को गंभीरता से नहीं लीजिएगा तो बिहार का विकास कैसे होगा? आप विपक्ष होता है सवालों को खड़ा करने के लिए, तो सवाल से भाग रहे हैं लोग। वित्तीय कुप्रबंधन का ही नतीजा है ना। अगर कोई चीफ मिनिस्टर 17 साल से मुख्यमंत्री हैं और उसके बावजूद भी बजट प्रावधानों से ही खुद झलकता है, बिहार के लोगों पर जन्म लेते ही कर्ज चढ़ जाता है, यह अपने आप एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिहार की अर्थव्यवस्था किस डायरेक्शन में जा रही है? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरे बिहार को कर्जदार बना दिया गया है। ये चिंता का विषय है और सरकार को ऐसे मामलों में गंभीरतापूर्वक ठोस उपाय करने होंगे। बीजेपी ने कहा है कि विरोधी दलों को जो है राजनीति रतौंधी हो चुका है, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, अब बीजेपी वाले क्या बात करें, वो हर चीज़ पर राजनीतिक बयान देते हैं। रतौंधी क्या होता है, उनको क्या हो गया? वो क्यों इतना शालीनतापूर्वक सब बात झूठे ढंग से रख देते हैं? झूठ बोलने की एक सीमा होती है ना। एनडीए वाले और बीजेपी वाले सिर्फ झूठ की ही तो राजनीति करते हैं। जो दो तीन महत्वपूर्ण सवाल है राज्य की जनता जानना चाहती है कि जब भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उन फैसलों के वक्त बीजेपी यहाँ सरकार में नहीं थी, महागठबंधन के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे।
इसका जवाब क्यों नहीं बीजेपी वाले देते? 2 लाख सुपर शिक्षकों की नियुक्ति हुई, और जब हुई उस सरकार में बीजेपी भागीदार नहीं थी, आरजेडी और कांग्रेस वामपंथी दल के लोग भागीदार थे, तो स्वाभाविक ही जो सरकार में भागीदार होगा वो क्रेडिट लेगा। बीजेपी को परेशानी हो रही तो बताओ। लेकिन एक सवाल है कि तेजस्वी यादव कल जनविश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कांग्रेस भी साथ देगी? क्योंकि हाल ही में देखने को मिला था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ दिखे थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम तेजस्वी यादव जी के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को अच्छा कदम मानते हैं, और हमने उन सबको बधाई भी दिया, चाहे दीपांकर जी हों, तेजस्वी जी हों, कई लोगों ने जो हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, वो राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में सम्मिलित ही नहीं हुए बल्कि अपनी एकजुटता दिखाई। तो स्वाभाविक है जब तेजस्वी जी बाहर निकलेंगे, उनकी यात्रा है, तो कांग्रेस के भी लोग उसमें अपने अपने इलाके में शामिल होंगे।